अभी पता चलता रहता है। नंबर 5 है आपका परिवार को ऋण से बचाने में सहायक। जब बच्चों हमारा आय जितनी होगी हमारा खर्च उससे कम होगा तो हम अपने बजट पे भी इस बात का ध्यान रखे रहते हैं जिससे कि हमारी हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है। नंबर 6 है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बच्चों जब हमारी ज़रूरतें जैसी होती हैं और जब हम बजट बना के रखते हैं तो हर महीने हम ये ध्यान देते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रमुख आवश्यकताएं हैं, इस तब हम उस आवश्यकता को पहले पूरा करते हैं। जो हमारी आवश्यकता कम होती है उसकी हम बाद में पूर्ति करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा बजट होता है तो हमारी जो मेन आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पहले पूरा करते हैं और जिससे कि हमें किसी भी सदस्य की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखते हैं। नंबर 7 है आपका बचत में सहायक। बच्चों जब हम बजट बना के रखते हैं तब हम हमारी जो आय होती है जो हमारा व्यय होता है इस पर भी हम एक ध्यान रखते हैं जिससे कि हम किसी भी प्रकार से अनचाहा खर्च नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा जो परिवार का में जो बचत होनी चाहिए उस पर हम ध्यान रखते हैं और उसी प्रकार से हम खर्च करते हैं कि जितनी हमारी आय है उससे ही हम कम खर्च करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी बचत होती है। नंबर 8 है सुख शांति व समृद्धि में सहायक। बच्चों जब हम बजट बना होगा तो हम सारी ज़रूरत की चीज़ों को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम कर्ज लेने से बचे रहते हैं और मितव्यता में व्यय नहीं करते हैं, भविष्य के लिए भी बचत करके रखते हैं जिसके कारण हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9 है आपका रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। बच्चों जब हम आय से हम कम खर्च करेंगे तब हमारे पास जो बचत होती है वो हमारे स्तर को ऊंचा करने में सहायक होती है, जिससे कि हम अपना जो रहन सहन का स्तर है वो हम अपना और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हमें बजट बना के खर्च करने में ये सारे लाभ होते हैं। इसीलिए बच्चों हमें अपना बजट बना के और समय समय पे उस पर ध्यान रखते